गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ठीक है आप? लास्ट टर्न पे जो हमने पढ़ाया था लिमिट, उसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? उसके जो जेईई आईआईटी में जो मेन क्वेश्चन आते हैं उसको ही सोल्व करेंगे आप, ठीक है? जैसे ये क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर पावर थ्री अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री की पावर फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू, फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये अच्छा है, ठीक है? तो अब इसमें जो है, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी, क्या कल मैं बताया था मैंने कि ए नोट स्क्वायर एक्स स्क्वायर बताया था मैंने, ए नोट अगर दोनों की पावर, ये जो बताया था ना फंक्शन, जैसे है ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस अब टू ए बी एन एक्स की पावर एन प्लस बी एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन, दैट इज ऑल। अगर ये पावर सेम हो तो इसकी क्या जाती है, ए एन अपॉन बी एन। तो अगर लिमिट रखता हूं तो इसमें क्या आ जाएगा, टू अपॉन टू, टू अपॉन टू, इससे क्या आ जाएगा वन, और ये क्या आ जाएगा वन, ये आ गए वन की पावर इनफिनिटी। अगर मैं इसको लिमिट को रखता हूं इसमें, ये लिमिट आ गई वन की पावर इनफिनिटी, अगर ये वन की पावर इनफिनिटी आ जाती है इसमें लिमिट, ठीक है भैया, तो इसमें क्या करते हैं, अगर ये लिमिट आ जाती है तो इसमें क्या करते हैं, वही है कि लिमिट सारे कुछ लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी, क्या था सवाल, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री की पावर फोर एक्स स्क्वायर की पावर टू, इसको क्या मान लिया गया, मैंने वही था कि वन की पावर इनफिनिटी है तो इसमें एक माइनस कर दो, वही था फॉर्मूला, इसकी में क्या करूं, ये टू एक्स स्क्वायर की पावर थ्री माइनस वन अब टू, और ये क्या कर दो वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर अपॉन टू, क्या आएगा फोर स्क्वायर अपॉन, ये फोर स्क्वायर प्लस टू, ये था ना कि एफ एक्स की पावर जी एक्स था कि एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, और वो इधर ई पावर लिमिट, ये क्या जाएगा यार, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी, ये क्या आ जाता है यहाँ करके, टू ई पावर टू एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री अब टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक, इस टू से एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ई की पावर माइनस फोर फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ठीक भाई, इसको जब जो है इसको फिर वही है लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी चली रहा है वो ई की पावर है, जैसे ई की पावर में इसको जो एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी रखूंगा ये क्या जाएगा, ये क्या जाएगा ई की पावर माइनस फोर तो है ये फोर अपॉन टू, फोर क्या जाएगा ये फोर अपॉन टू, टू से टू जाएगा तो ई की पावर माइनस एट, ये क्या जाएगा ई की पावर माइनस एट आ गया, क्या आ गया भैया ई की पावर माइनस एट, ठीक है, तो ये आ गया ई की पावर माइनस एट, ठीक है भाई, आगे बढ़े, फिर एक और क्वेश्चन दिखाते हैं,
लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी टू टू माइनस ए अपॉन एक्स, टू माइनस ए अपॉन एक्स टेन फाइव एक्स, टेन फाइव एक्स अपॉन टू ए। जब एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी रखूंगा मैं यहाँ, जब क्या रखूंगा मैं यहाँ, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी रखूंगा, यहाँ क्या आ जाएगा, ये टू माइनस जीरो, टेन क्या जाएगा, ये इन्फिनिटी, टेन क्या जाएगा, ये इन्फिनिटी। तो फिर वही आग, ये एक्स टेंड्स टू ए, एक्स टेंड्स टू क्या रख दो, ए। एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी से तो टू माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आ रहा, ये टेन इन्फिनिटी तो बन गया क्या, टेन एक्स इक्वल टू ए, ये क्या आ जाएगा, टू माइनस ए अपॉन ए टेन फाई ए अपॉन टू ए। तो क्या, टू माइनस वन की पावर टेन फाई बाई टू, ये क्या आएगा, टेन टू बाई बाई टू, टू वन में, टू वन में वन, चार क्या आ जाएगा, वन, वन की पावर टेन फाई बाई टू, वन और नीचे, दैट इज वही हो गया ना, ये अगर कोई फंक्शन था ये लिमिट एक्स टेंड्स टू, ये था एफ एक्स की पावर जी एक्स है, इस फॉर्म में आ जाए, वन की पावर क्या रहता है, एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, याद करता ना ये, तो ठीक ही तरह ये फॉर्म हो गई वन की पावर इंफिनिटी, क्या आ गई, वन की पावर इंफिनिटी आ गई है, तो ये क्या आ गई, वन की पावर इंफिनिटी आ गई इसी में, तो विंग पावर इंफिनिटी आ गई, फिर क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स टेंड्स टू ए टू माइनस ए अपॉन एक्स माइनस वन टेन फाइव एक्स अपॉन टू ई की पावर, ये आएगा ई की पावर, ये टू में से वन जा चार जगह है, वन ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू जी ए वन माइनस ए अपॉन एक्स टेन फाइव एक्स अपॉन टू, टेन फाइव एक्स अपॉन टू। अगर मैं यहां से, अगर मैं यहां से ई की पावर की से एक्स माइनस, ये क्या आ जाएगा भैया, लिमिट ई लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स माइनस ए अपॉन एक्स टेन पाई एक्स अपॉन टू। अब अगर इसको मैं क्या कर सकता हूं, एक्स माइनस ए को, एक्स माइनस ए को क्या मान लो, थीटा मान लो, एक्स माइनस ए को क्या मान लो मैं इसको, थीटा मान लो, एक्स माइनस ए को क्या मान लो भैया, एक्स माइनस ए को क्या मान लो इसको मैं थीटा मान लू, एक्स माइनस ए को क्या मान लू मैं इसको थीटा मान लू, तो क्या आ जाता है, ये एक्स माइनस ए को क्या मान लू, एक्स माइनस ए इक्वल टू थीटा, एक्स माइनस ए इक्वल टू क्या मान लू इसको, थीटा मान लिया, जब मैं एक्स माइनस ए को थीटा मान लूंगा तो क्या आएगा यहां से, थीटा एक्स माइनस ए इक्वल टू थीटा और एक्स इक्वल टू ए प्लस थीटा, एक्स की वैल्यू क्या रखूंगा, ए रखूंगा, तो थीटा इक्वल टू थीटा टेंस टू वी आ जाएगी, चाहिए थीटा टेंस टू शेयर्स, तो क्या आ जाएगी, लिमिट ई की पावर लिमिट थीटा टेंस टू जीरो एक्स माइनस ए क्या आएगा, थीटा एक्स माइनस ए इक्वल टू थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, एक्स की वैल्यू ए प्लस थीटा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस थीटा टेन फाइव, एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस थीटा अपॉन टू, टेन क्या होगी, टेन फाइव ए प्लस थीटा बाई टू, अच्छा अगर इसमें लिमिट को, इसमें थीटा को, यहाँ थीटा को जीरो रख देता हूं, ये क्या आ जाएगा, टेन पाई ए बाई, क्या आ जाएगा, लिमिट
इस क्या आएगा, टेन पाई बाई ए टू, ये सीधा ए प्लस बी इक्वल टू ए, क्या आएगा लिमिट ई लिमिट थीटा टेंस टू जीरो ई की पावर क्या आएगा थीटा प्लस ए खिंचा थीटा अपॉन थीटा अपॉन ए प्लस थीटा क्या आएगा टेन पाई ए बाई टेन पाई ए बाई अच्छा इसको लिमिट में ये ना रख के चाहे इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्या कर लो पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्या कर लो मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्या कर लो भैया इसके अच्छा क्या कर लो कि क्या देगा यहाँ ये टू ए भी है भैया, तो क्या है टू ए या पाई एफ कौन टू ए, ये बोल रहे ना पाई एफ कौन टू ए। अच्छा इसके क्या कर लूँ मैं, अब देखो अब ये तो बना नहीं, काम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन, क्या आ जाएगा टेन फाई ए अपॉन टू ए प्लस फाई थीटा अपॉन टू ए, ए से एक कैंसिल आ गया, क्या आ गया टेन पाई बाई टू प्लस थीटा, टेन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है कोट थीटा, ये क्या आ गया लिमिट। अब यहां देखेंगे इसको क्या आ गया ये लिमिट थीटा टेंस टू जीरो थीटा अपॉन ए प्लस थीटा टेन 90 प्लस थीटा माइनस के फॉर फाइव थीटा अपॉन टू ए, ये आ गया ठीक, क्या आ गया ये थीटा टेंस टू जीरो थीटा अपॉन ए प्लस थीटा माइनस कोट फाइव थीटा अपॉन टू, ये आ गया। अगर ये थीटा की वैल्यू में जो है ई की पावर में चली जा रही है, अगर यहाँ लिमिट रख दी थीटा तो 30 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा थीटा ए प्लस थीटा टेन कोट पाई बाई टू थीटा क्या आ जाएगा माइनस वन अपॉन टेन पाई थीटा अपॉन टू ए ई की पावर e पावर लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, ये क्या आएगा माइनस थीटा अच्छा टेंस टू जीरो है ना लिमिट टेन टेन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आती है वन आती है, टेन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और टेन एक्स एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आती है एक्स, क्या आती है भैया एक्स ही वन आती है, क्या आती है टेन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आती है वन आती है, ठीक देखो भाई अगर मैं इसमें जो है लिमिट लगा देता हूँ थीटा टेंस टू जीरो तो ये तो खत्म हो गई, ये ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा ऊपर क्या आ जाएगा खाली थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये सॉरी वन अपॉन ए बाहर आ जाएगा, ये माइनस कर दिया माइनस के वन अपॉन ए बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन पाई बाई, अब इसको क्या कर लिया है टेन एक्स अपॉन एक्स करने के लिए इसमें जो है पाई थीटा अपॉन टू ए और पाई थीटा अपॉन टू ए की मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, ये तो हो गया एक्स, ये तो इसने कहा टेन एक्स अपॉन एक्स ये कितना आ गया टेन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ गई वन, टेन
एक्स अपॉन एफ ई, यानी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, टेन जीरो अपॉन जीरो, इसकी वैल्यू आ गई वन, ये आ गया इस थीटा से, ये भी थीटा चले जाएगा क्योंकि आ गया लिमिट ई की पावर, लिमिट तो रही नहीं अभी, थीटा तो रहा ही नहीं, क्या आएगा माइनस वन अपॉन ए मल्टीप्लाई क्या आएगा टू ए अपॉन पाई, इस ए से ये ए जाएगा ई की पावर माइनस वन अपॉन फाइव आ गया, ई की पावर माइनस के वन अपॉन फाइव आ गया, ए की पावर माइनस के वन अपॉन पाई, ये टू मल्टीप्लाई टू ई की पावर माइनस टू अपॉन पाई। देखो भाई ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन क्या था, लिमिट एक्स टेंस टू ए टू माइनस वन अपॉन ए एक्स टेन पाई बाई था। अब हमने अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए करा, ये फॉर्म में हो गया वन की पावर इन्फिनिटी, ये आ गया वन की पावर इन्फिनिटी, ये वो हमने थ्योरम बताई थी, लिमिट एक्स टेंस टू ये एफ एक्स की पावर जी एक्स हो तो एफ एक्स माइनस वन, ई की पावर में एफ एक्स माइनस वन जी एक्स, ठीक है। फिर ये क्या आ गया, ये एक्स माइनस टेन पाई बाई टू एक्स रख दिया। अब इसको x माइनस ए को क्या मान लिया मैंने, इसमें थीटा मान लिया, x माइनस ए को क्या मान लिया, जब थीटा मान लिया, जब x माइनस ए को क्या मान लूंगा मैं, थीटा मान लूंगा, x माइनस ए को थीटा मान लूंगा, तो लिमिट क्या आ जाएगी, x टेंस टू ए थीटा टेंस टू जीरो, जो x माइनस ए की वैल्यू थीटा रख दी, और x जो है ना x माइनस ए इक्वल टू थीटा, x माइनस ए इक्वल टू थीटा, x इक्वल टू क्या आ गया ए प्लस थीटा की वैल्यू जाएगी यहाँ पे, एक्स इक्वल टू ए प्लस थीटा, जहां भी एक्स है उसकी वैल्यू तो ए प्लस थीटा रख दी, और लिमिट एक्स की वैल्यू ए रख के यहाँ ए थीटा चेंज टू क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी, ये आ गई, ठीक भाई। अच्छा अब ये इसकी पाई बाई टू ए, इसको अलग अलग कर दिया, ये पाई ए पॉइंट टू ए पाई थीटा पॉइंट टू ए है, ये आ गया टेन पाई बाई टू प्लस ए, टेन पाई बाई टू प्लस ए क्या आएगा कोट पाई बाई टू, कोट पाई बाई थीटा पॉइंट ए, ये आ गया है थीटा प्लस के ए थीटा। अच्छा अब अगर मैं जो है ये है इसमें थीटा चेंज टू जीरो रख दूं, ये तो खत्म ही हो जाएगा, ए आ जाएगा यहाँ तो थीटा पॉन पाई बाई थीटा पॉन ए आ जाएगा मल्टीप्लाई। अच्छा ये कोट को क्या कर लिया, कोट थीटा इक्वल टू क्या फॉर्म होता है, कोट थीटा इक्वल टू वन अपॉन एक्स, कोट थीटा इक्वल टू नहीं, कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है वन अपॉन टेन थीटा, कोट थीटा इक्वल टू नीचे आ गया वन अपॉन टेन थीटा, ये टेन पाई बाई थीटा पॉइंट टू आ गया था, इसको टेन एक्स अपॉन एक्स में कन्वर्ट करने के लिए इसके एंगल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ये क्या आ गया ये वन अपॉन इधर आ गया, जब ये लिमिट रही थीटा रहा ही नहीं तो लिमिट खत्म हो गई, टू ए अपॉन पाई पाई जगह से ई की पावर माइनस के टू अपॉन पाई आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया ई की पावर माइनस के टू अपॉन पाई आ गया, ई की पावर माइनस के टू अपॉन पाई, यहां तक बात समझ में आ गई भाई, ठीक है आगे बढ़े भाई। अच्छा अगर ये यहां के यहां इश्यू है ना, ये एक्स माइनस ए अपॉन एक्स इक्वल टू ए, इसको अगर इस फॉर्म में बदलना हो तो ये किस फॉर्म में आ गई, यहां गया अगर देखो, ठीक है यहां तो बात समझ आ गई, ये यहां से क्या आ जाएगा एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए टेन पाई एक्स अपॉन टू ए, ये आ जाएगा एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए, देखो यहां तो बात समझोगे, देखो अगर मैं इसको मुझे एंगल से करना चाहूँ उसको मुझे तेरे देखे ये यहां से, अगर ये अगर और तरह का देखना चाहूँ और क्वेश्चन को इस पर देखना चाहूँ, ये क्या आ जाएगा यहां से एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स टेन पाई एक्स अपॉन टू ए, तो ये चलेगा क्या आ जाएगा, ये आएगा एक्स माइनस ए अपॉन कोट फाइव एक्स अपॉन टू ए एक्स, अगर एक्स टेंस टू कितनी है लिमिट ए, लिमिट एक्स टेंस टू कितनी है ए, जब एक्स टेंस टू ए रखूंगा ए माइनस ए ये भी जीरो हो गया, ये भी कोट भी, ये आ गया कोट जीरो,
तो 0/0 फॉर्म हो गई, 0/0 फॉर्म हो गई। तो इसमें जो है यही जो क्या लगा सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। एल हॉस्पिटल रूल का मतलब क्या होता है, वही एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, वही है मान लीजिए एफ एक्स जी एक्स फंक्शन हो तो इसको क्या करो, एक बार डिफरेंशिएटर अलग कर लो, जी जब तक के लिए इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगी एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, क्या आएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू जी डैश एक्स आ जाता है। इस तरह भी ये क्वेश्चन इसके बाद यहां से भी इस तरह कर सकता हूं। ठीक है भाई, अगर कहीं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई ना होता है फिर यही सिंपल तरीका है, फिर हम इस तरह सोल्व करके देखेंगे। ठीक है आगे बढ़े, एक और सवाल देखते हैं। ये लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1/x की पावर अपॉन ई की पावर 1/x की पावर 1/n। देखो भाई ये सवाल है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1/x 1 प्लस एक्स की पावर 1/x की पावर 1/x अपॉन ई, इसका ये निकालना है इसका आंसर। तो क्या आ जाता है इसमें, देखो भाई अगर कहीं भी ये इस फॉर्म में आ जाए, ये 1 प्लस एक्स की पावर 1/x अगर इस फॉर्म में आ जाए, हमेशा ये एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है, ध्यान रखना। अगर कहीं भी आ जाए 1 प्लस एक्स की पावर 1 होती है तो इसमें एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है। अच्छा एक्स टेंस टू 1 एक्स टेंस टू 0 करूंगा, ये क्या आ जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा ये 1 की पावर इन्फिनिटी, क्या आ गई है 1 की पावर इन्फिनिटी आ गई, इसकी फॉर्म आ गई 1 की पावर इन्फिनिटी आ गई है। ठीक है ये क्या आ गई 1 की पावर इन्फिनिटी। अच्छा अभी वो 1 की इसमें 1 की पावर इन्फिनिटी आ गई है, 1 की पावर इन्फिनिटी क्या आ गई, 1 की पावर इन्फिनिटी आ गई है, तो क्या आ जाएगा ये इस पे रखिए, क्या आएगा लिमिट वही है फॉर्मूला एक्स टेंड्स टू 0, फिर 0 में लगा दूंगा इसमें, ये क्या 1 प्लस एक्स की पावर क्या आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1/x अपॉन ई माइनस 1 की पावर 1/x लिमिट ई की पावर, या ई की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 1/x अपॉन ई माइनस 1 की पावर 1/x, ये 1/x ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा ये 0 में लगाते ही क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक अब को ई की यहां क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1/x माइनस ई अपॉन ई एक्स अपॉन ई एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और ई की पावर है ये सारे ई की पावर चली आ रही है। ठीक है अगर कहीं ये हो एक्स की पावर वाई, अगर कहीं एक्स की पावर वाई हो तो इसे लिख सकता हूं ई की पावर वाई लोग एक्स, इसे एक्सपोनेंशियल में लो, अगर कहीं एक्स की पावर वाई हो तो इसे क्या लिख सकता हूं ई की पावर वाई लोग एक्स, ध्यान रखने का फॉर्मूला है एक्स की पावर वाई पढ़ा ही होगा आपने टेंथ में, एक्स की पावर वाई है तो इसके वाई को क्या लिखता हूं ई एक्स की पावर वाई को ई की पावर वाई लोग एक्स, एक्स की पावर वाई को क्या लिखता हूं मैं ई की पावर वाई लोग एक्स।
अच्छा अब ये है, इसको क्या लिखता हूं, ई की पावर 1/x क्या लिख सकता हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई की पावर वाई, वाई की जगह क्या है 1/x log 1+x log 1+x माइनस ई अपॉन ई एक्स, ई आ गया अपॉन ई आ गया, ठीक है भाई। अब log 1+x का फॉर्म में क्या होता है ये पता होता है, log 1+x का एक्सपोनेंशियल के लिए बड़ा है log 1+x का x माइनस x² / 2 प्लस x³/3 अपॉन 3 माइनस x⁴ थर्ड फोर, ये फॉर्म लगता है, क्या फॉर्म लगता है इसका, क्या फॉर्म होता है इसका भाई, log x का 1x माइनस x² / 2 प्लस x³/3 माइनस x⁴ + 4 एंड सो ऑन, ठीक। मैं इसी तरह से ये है ई की लॉग 1+x का ये फॉर्मूला लगा देता हूं, मैं क्या लगा देता हूं ये फॉर्मूला लगा देता हूं, क्या आ जाएगा ये ई लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 की पावर 1/x क्या आएगा एक्स माइनस x² / 2 प्लस x³/3 माइनस x⁴/4 माइनस ई अपॉन ई एक्स अपॉन क्या जाता है ई एक्स, यहां से बात समझ आओगी भाई, एक वो फॉर्मूला होता है अगर कहीं लिमिट ई की पावर टी माइनस 1/3 हो तो ये क्या जाता है 1 आ जाता है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू भी क्या जाता है ई की पावर टी माइनस 1/3 इक्वल टू क्या जाता है 1 आ जाता है। देखो भाई अब इसमें से क्या करता हूं, मैं इसमें से एक्स है जो नीचे एक्स है इसे देख के एक्स कॉमन लिखता हूं, ऊपर एक्स क्या ले लेता हूं मैं इसको एक्स कॉमन लिखता हूं, क्या लेगा लिमिट और ये ई की पावर में चली रहा है ये भाई, ये ई की पावर में चली रहा है या बाद में लिख लूंगा सबको, कहो तो इसको बाद में लिखना शुरू कर दू बाद में, ये को ये आते आते लिखता शुरू करो, क्या है ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ऊपर से एक्स कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया मैंने एक्स कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन लेके क्या आ गया ये 1 - x/2 प्लस x² / 3 माइनस x³ और माइनस ई अपॉन ई एक्स अपॉन ई एक्स, इस एक्स से ई एक्स जाएगा, इस एक्स से ई एक्स जाएगा, बोलिए ई की पावर है ये तो ई की पावर क्या बच जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई की पावर E 1 - x/2। अच्छा अब एक और जो E बचा है इन दोनों में से E कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया मैंने E दोनों में से कॉमन भी ले लिया, क्या 1 - x/2 प्लस x² / 3 माइनस x³ - 4 एंड सो ऑन माइनस के 1 ये आ गया अपॉन ई एक्स, इस ई से ये ई जाएगा, इस 1 से ये बन जाएगा, तो क्या आ गया ई की पावर लिमिट
एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो क्या आएगा, माइनस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स की पावर टू अपॉन थ्री माइनस एक्स क्यूब अपॉन फोर एंड सो ऑन अपॉन एक्स अपॉन एफ, ये पावर मांगे। अच्छा अब ये थ्री की पावर है ये। अच्छा इस एक्स से अगर इसको क्या जाएगा, माइनस वन बाई टू क्या बन जाएगा, माइनस वन बाई टू प्लस इससे एक्स क्या गया, एक्स अपॉन क्या जाएगा, एक्स अपॉन थ्री माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर इस तरह की एंड सो आ जाएगी। यानी जब जो एक्स टेंस टू, जब मैं लिमिट जीरो रखूंगा तो ये तो सारी क्या आ जाएंगी, एक्स से बड़ी है ये तो सारी क्या आ जाएंगी, जीरो आ जाएगी। सिर्फ क्या बचेगा, ई माइनस के हाफ क्या जाएगा, क्या बचेगा ई, क्या बचेगा लिमिट ई की पावर माइनस हाफ, ये इसका आंसर आ गया। ये इसका क्या आ गया आंसर, ई की पावर माइनस हाफ बचेगा। क्या है भैया, देखो क्या है ये, देखो अब सवाल था मेरा ये वाला, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स की पावर वन अपॉन एक्स अपॉन ई की पावर वन अपॉन एक्स, ठीक है भाई। अब है सवाल लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स की पावर वन अपॉन एक्स अपॉन ई माइनस, अच्छा इन अगर मैंने एक्स टेंस टू जीरो रखा, ये फॉर्म हो गया वन की पावर इन्फिनिटी, किस फॉर्म में आ गया, वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में आ गया। फिर वही थ्योरम है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स की पावर जी एक्स हो तो क्या रहता है, लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई जी एक्स, जो ये पावर होती है इसकी मल्टीप्लाई में आ जाती है। ये थ्योरम बताई थी मैंने तुम्हें। अच्छा लास्ट टर्म पे लिमिट फिर ये माइनस वन कर दिया और पावर कर दिया, फिर ई की जरिए मल्टीप्लिकेशन कर दी, ये आ गया। ये कहीं ये भी आ जाए, ये अंक मीन के वन प्लस एक्स की पावर एक्स इस फॉर्म में आ जाए, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन थ्री, ये है ना वन प्लस एक्स की पावर एक्स आ जाए, इस फॉर्म में आ जाएगा कहीं भी। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है एक्सपेंशन थ्री, तो ये आ गया ठीक है। अगर ये आ जाए, ये होता है ना अभी बताया था मैंने एक्स की पावर वाई आता है, एक्स की पावर वाई आता है, तो वाई क्या आता है, वाई लोग एक्स बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं वाई लोग एक्स, ई की पावर वाई लोग एक्स में लिख सकते हैं इसे, ठीक है। ये है वन एक्स की पावर एक्स, ई जो बताइए ई अलग है देखो, और ये यार किसकी वजह से है, ये किसकी वजह से आया, ये इसकी वजह से आया, जिसके बाद ई अगर कहीं एक्स की पावर वाई हो, एक बार होकर कहीं एक्स की पावर वाई हो, कहीं क्या लिखा हो एक्स की पावर वाई लिखा हो, इसे क्या बोलते हैं ई की पावर वाई लोग एक्स। ये ई तो इसकी वजह से आया, जो छिरो में लगाई थी एक जो ई इसकी वजह से आया है, इस फॉर्मूले की वजह से क्या आगे ई की पावर वन बाई एक्स लोग वन प्लस एक्स माइनस वन। फिर लोग वन प्लस एक्स का फॉर्म लेके आ लगा दिया, लोग वन प्लस एक्स का फॉर्म होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, ये ई लगी है ई, ये ई चला भाई यस में, ये ई है नीचे क्या, नीचे क्या आ जाता है ई एक्स आ गया ये, ठीक है। अच्छा अब मैंने जो है वन बाई एक्स की इधर क्या कर दूंगा, मैं मल्टीशन कर दूंगा, या ये बदल एक्स से कॉमन ले लिया, एक्स साइड में से कॉमन ले लिया, ये बचेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, ये दोनों ई कॉमन ले लिया, क्या वन माइनस ये आ गया, वन से वन जा गया, या एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर बाई थ्री, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रखते क्या ई की पावर माइनस हाफ क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस के हाफ, ई की पावर क्या आ जाएगा माइनस के हाफ आ जाएगा। तारीख को देखो सवाल ये बोल रहे हैं,
क्या है सवाल ये? डी वेट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स की पावर वन बाई एक्स माइनस ई प्लस ई एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन सॉरी, अगर मैं एक्स टेंस टू जीरो रखूंगा तो ये माइनस ई बन नहीं रहा है, लेकिन ही वही है, इसे क्या है कि इस फॉर्म एक्सपोनेंशियल थ्योरी में एक्स की पावर वाई है, इसे क्या लिखता हूं, ई की पावर वाई लॉग एक्स, ई की पावर वाई लॉग एक्स लिमिट होती है, क्या आ जाएगा ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई की पावर वन अपॉन एक्स लॉग वन प्लस एक्स लॉग वन प्लस माइनस ई प्लस ई एक्स अपॉन टू अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो फिर ये रख दिया, ये गया ई की पावर वन बाई एक्स, ई की पावर वन बाई एक्स लॉग वन प्लस एक्स का फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स की पावर फोर अपॉन फोर माइनस ई प्लस ई एक्स अपॉन। नीचे क्या आ गया ये एक्स स्क्वायर अपॉन टू आ गया, क्या आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू आ गया। अब इसमें से फिर जो है एक्स में से एक्स की दोनों तरफ क्या एक्स कॉमन ले रहा सर इन यहां से यहां पे एक्स कॉमन ले, क्या बच्चे में लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई की पावर क्या जाएगा एक्स मल्टीप्लाई वन बाई एक्स वन माइनस वन एक्स अपॉन टू वन माइनस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री माइनस एक्स क्यूब अपॉन फोर माइनस ई प्लस ई एक्स अपॉन टू अपॉन एक्स स्क्वायर। इस एक्स से ये एक्स कट जाएगा, इस एक्स से ये एक्स कट जाएगा, ये सारा क्या जाएगा इस एक्स से, ये इस एक्स से ये पावर में नीचे ई ई कॉमन ले लूंगा सर, मैं क्या ले रहा हूं कुछ मतलब क्या ले लेता हूं ई कॉमन ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं मैं ई, ये नीचे है ये तो पावर में नीचे है, फिर ऊपर है पावर में ई प्लस ई एक्स कॉमन। अच्छा अब ये खाली क्या बचेगा यहां से ई बचा बाहर, क्या बचा ई, ई सारे मतलब क्या ले लेता हूं मैं कॉमन ले लेता हूं, क्या कॉमन ले लेता हूं कॉमन ले, क्या बचेगा ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स टेंस टू जीरो ई बाहर लेके क्या कॉमन लेके क्या बचेगा वन माइनस एक्स अपॉन टू क्या ले जाएगा वन माइनस एक्स अपॉन टू क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री माइनस एक्स क्यूब अपॉन फोर, पहले से एक बार हो लिखते हैं माइनस ई प्लस ई एक्स अपॉन टू आ गया, अपॉन क्या आ गया एक्स स्क्वायर, अपॉन क्या आ गया एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले लूंगा मैं एक्स को ई जो क्या है ये ई, ये भी ई की पावर है, ये भी इसके साथ ही इकट्ठा हो जाएगा, ये भी इसके साथ ही इकट्ठा हो जाएगा, क्या आ जाएगा ये लिमिट
ये है ना ई की पावर एक्स और ई की पावर वाई होते, ई की पावर एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इस तरह क्या रहेगा, लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई की पावर वन माइनस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री माइनस एक्स क्यूब अपॉन फोर माइनस ई प्लस, इसके अंदर ही ले लो उसको, क्या आएगा माइनस वन प्लस एक्स अपॉन टू। देखो इस वन से तो ये बन जाएगा, इस वन से तो ये वन चला जाएगा, इस एक्स बाई टू से ये एक्स बाई टू, और नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आएगा ये एक्स स्क्वायर। फिर क्या आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर पावर थ्री माइनस एक्स की पावर थ्री अपॉन फोर ये अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ बच गया, क्या बच गया ई की पावर एक्स याद, ठीक है भाई। ये आ गए e की पावर एक्स टेंड्स टू e की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू, ये आ गया भाई। अच्छा देखो भाई यहाँ तो बात सुनाओगी, सवाल क्या था ये, सवाल था लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन प्लस एक्स, अच्छा भी था वन प्लस एक्स पावर एक्स माइनस वन ई प्लस ई एक्स पावर टू अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या करा मैंने इसको, ये एक्सपोनेंशियल सीरीज है, इसे क्या करते हैं वन बाई एक्स लोग वन प्लस एक्स कर दिया, क्या आ गया वन प्लस एक्स कर दिया, ठीक है भाई। अब इसको क्या करें, ई की पावर वन बाई एक्स, इस मैंने एक्स कॉमन ले लिया, एक्स मैंने क्या कॉमन ले लिया एक्स 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 ई की पावर ये आ गया वन, फिर इसमें से ई की पावर थ्री ये आ गया, ई की पावर फिर सारे मैंने कॉमन ले लिया मैंने जो, तो ये क्या आ गया, ये आ गया माइनस वन प्लस एक्स बाई टू, माइनस वन से वन ई आ गया, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। देखो भाई अब मुझे क्या, अब नीचे क्या है, नीचे पावर है, नीचे पावर जो है एक्स स्क्वायर है मैक्सिमम, नीचे क्या है मैक्सिमम पावर है इसकी एक्स स्क्वायर, नीचे पावर कितनी है इसकी एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर अपॉन भी थ्री में है, एक्स स्क्वायर कितनी आयो थ्री में, एक्स स्क्वायर कितनी आया भाई थ्री में आयो, अच्छा और इससे जितनी भी बड़ी पावर होगी, इससे जितनी भी बड़ी पावर होगी इसकी वर्ड स्टैंड टू जीरो खत्म हो जाएगी, सिर्फ मुझे जो है एक्स स्क्वायर तक की वैल्यू लेनी है, मुझे एक्स स्क्वायर तक की वैल्यू नीचे क्या है क्योंकि पावर जो है एक्स की पावर टू है, तो अब इस, अब अच्छा ठीक है, अब क्या करता हूं मैं इसमें, एक्स को मान देता हूं मैं तीन पावर एक्स के क्या मान रखते वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल थ्री, ये करके इसमें जो है ये फिर जो है इसमें यहाँ लिमिट क्या बचेगी, एक तो जाएगी वन पॉइंट थ्री आ जाएगी, एक आ जाएगी वन पॉइंट फोर, ये एक्स स्क्वायर की पावर एक के
ये आ जाएगी, क्या आएगी, वन अपॉन थ्री और वन अपॉन फोर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, वन अपॉन फोर, वन अपॉन फोर यस, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो ये वन अपॉन एट हो जाएगी, सी थ्री जो चलती रहेगी, सी क्या है जो भी टू ही चलती रहेगी, क्योंकि मुझे सिर्फ लेना देना नहीं है, ये है ना एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, क्या आएगा एक्स प्लस एक्स पावर बाई टू, अब मुझे तो लेना देना नहीं है किसी का ही है, सिर्फ जितनी भी पावर ये एक्स स्क्वायर है ये इसी पे जितनी भी इसकी बड़ी पावर है सब क्या आ जाएंगे बेकार हो जाएंगे, ठीक है, तो ई की पावर क्या आएगा वन बाई थ्री प्लस के वन अपॉन एट, ई की पावर वन बाई थ्री प्लस के वन अपॉन एट क्या आएगा, ई की पावर वन बाई थ्री प्लस वन अपॉन एट, इनका एलसीएम क्या आ गया 24 एट प्लस थ्री क्या आ गया ई की पावर 11 अपॉन 24 आ गया, ई की पावर वन अपॉन ये लिमिट रख के क्या आ जाएगा ये आ जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है भाई आगे बढ़े दौड़ इसको, अब है नया टॉपिक है सैंडविच थ्योरम, क्या क्या थ्योरम है नया, नया टॉपिक है सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम, सैंडविच एक तो होता है खाने का लेकिन ये खाने का नहीं है, क्या है सैंडविच थ्योरम है ये, क्या है भैया ये सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम क्या है, अगर तीन फंक्शन हो किस तरह के हो, ये कोई जी एक्स फंक्शन है इस तरह का है, ये लेस देन टू एच एक्स है और ये ग्रेटर देन एफ एक्स, क्या है फोर ऑल एक्स, फोर ऑल एक्स इन द नेबरहुड एक्स इक्वल टू ए, ये तीन एक भी फंक्शन है जी एक्स, इस तरह फंक्शन है इज लेस देन एच एक्स, इज लेस देन एच एक्स, इज ग्रेटर देन एफ एक्स है, इस तरह भाई नेबरहुड में है क्या है कि एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए है, और कोई अगर लिमिट हो जाए, अगर किसी चीज की लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एच एक्स, इनकी कोई लिमिट है मान लिया के है, इनकी लिमिट क्या है के है, देन अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम एंड देन अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो जी एक्स विल बी एल, क्या आ गया भाई, क्या आ गया, देखो अगर कोई कोई जी एक्स फंक्शन है, कैसा जी एक्स फंक्शन है, ये इज लेस देन एच एक्स है तो ग्रेटर देन एफ एक्स है, फोर वो लेक्स इसकी नेबरहुड में एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए के नेबरहुड में, एक्स इक्वल टू ए के नेबरहुड में कोई लिमिट इसकी वैल्यू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे एफ एक्स की वैल्यू और उसी लिमिट पे एक्स टेंस की कोई वैल्यू सेम आ जाएगा, इसकी कोई वैल्यू सेम आ जाएगा, तो जो जी एक्स की वैल्यू होगी, जो लिमिट इसकी वैल्यू होगी सैंडविच पे, इसकी भी
लिमिट की वैल्यू जीएचटीबी क्या होगी, के ही होगी, क्या होगी, एल होगी या के ही होगी, क्या होगी वो के ही होगी, दैट इज कॉल्ड द सैंडविच थ्योरम, दैट इज कॉल्ड द सैंडविच थ्योरम। अच्छा जैसे इसी, अच्छा जो ये फंक्शन आता है, जो ये फंक्शन आया, ये जी एक्स टू जी एक्स कॉल्ड टू द सैंडविच फंक्शन, जी एक्स कॉल्ड सैंडविच ये जी एक्स जो है सैंडविच फंक्शन कहलाएगा। सैंडविच सेम क्या कहलाएगा, वही जो बी से जो फंक्शन हुआ जी एक्स, अगर इनकी लिमिट इक्वल है तो इसकी भी लिमिट इक्वल होगी, दैट इज कॉल्ड टू द सैंडविच फंक्शन। ठीक है भाई, आगे बढ़े। जैसे एक पर एग्जाम्पल लगा देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये ब्रैकेट में है, मोड एक्स अपॉन एक्स, या बॉक्स में भी कहते हैं ना मोड, ये एक्स अपॉन एक्स, एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू। अच्छा अगर कहीं भी ये बॉक्स में है ये इसकी वैल्यू, तो ये फंक्शन होगा ये इज लेस देन इज ग्रेटर देन एक्स अपॉन, ये फंक्शन होता है ना, ये फंक्शन इसके इक्वल होता है, क्या इक्वल होता है, अगर ये फंक्शन है कहीं भी तो ये होता है हमेशा, हम जानते हैं इज लेस देन एक्स और इज ग्रेटर देन एक्स माइनस वन से होता है, ये इसकी डेफिनेशन है भाई, अगर इस तरह ब्रैकेट में या बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, अब अगर इसके नीचे एक्स है तो तीनों नीचे में एक्स कर दूंगा, इसके नीचे एक्स डिवाइड कर दूंगा, इसके नीचे भी एक्स डिवाइड कर दूंगा। ठीक, और अब अगर मैं इसकी लिमिट लगा देता हूं, अब यहां इनकी तीनों में लिमिट लगा देता हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज लेस देन लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी मोर एक्स अपॉन एक्स, लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी एक्स अपॉन एक्स, देखो भाई ये है x माइनस वन अपॉन एक्स, ये क्या आ जाएगा इसे लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी, ये हो गया वन माइनस वन अपॉन एक्स, ये हो गया इज लेस देन लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी x अपॉन x इज लेस देन, इस x से x जाएगा, ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी आ गई वन। अच्छा वन आ गई तो वन पे लिमिट तो रखो ही ना यहाँ, ये खत्म हो गया, ये ये क्या आ गया वन आ गया, क्या आ गया ये वन आ गया। अब ये लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, अब इसमें भी व्यक्ति क्या आ गया वन आ गया। अच्छा इसकी भी लिमिट कितनी आ गई, इसकी भी लिमिट वन आ गई और इसकी भी लिमिट कितनी आ गई, इसकी भी लिमिट। अगर दो फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन है मैं कहता कि इसकी मान ली, ये तो फंक्शन कितना आ गया, ये तो मान ली एफ एक्स है फंक्शन, जो मान ली एफ एक्स है, ये फंक्शन कितना है एच एक्स है, कितना फंक्शन है एफ एक्स है, इन दोनों की इसकी भी फंक्शन की और इसकी फंक्शन की कितनी कितनी आ गई, इसकी इसकी लिमिट वन आ गई और इसकी लिमिट वन आ गई, जो बीच का फंक्शन है इसकी भी लिमिट कितनी होगी वही होगी सेम होगी, दैट इज कॉल्ड द सैंडविच थ्योरम। मैंने बताया था कि मान लिया एफ एक्स है, ये एच एक्स है, जी एक्स है, क्योंकि एफ एक्स और जी एक्स की, एफ एक्स और एच एक्स की लिमिट कितनी आ गई वन आ गई, दोनों कितनी आ गई वन आ गई, तो दैट हैंड बाय द सैंडविच थ्योरम लिमिट इसकी भी वैल्यू कितनी होगी वन, हमेशा आते तो क्या आ गया मोड एक्स, या इसका बॉक्स में एक्स होता है या अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ गई वन होगी, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी वन होगी, याद भी रख लेंगे इसको, क्या होगी इसकी वैल्यू वन होगी। आगे बढ़े भाई, आई बात नहीं।
भाई, अब क्या है सवाल, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी टू क्या है? हाँ एक्स जो वही है 2x 3x अप टू एन एक्स, अप टू एन एक्स, अप टू एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, इसकी इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या क्या निकालनी है? इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको क्या बोलते हैं? स्टेप फंक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्टेप फंक्शन। अभी जो कराते ना वो मोड एक्स ये वाला मोड बल्कि कहलाता है, बल्कि स्टेप फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेप फंक्शन बोलते हैं। इस तरह के जो है स्टेप फंक्शन से बना लेंगे जो भी कराता हमने, इसको क्या बोलते हैं? स्टेप फंक्शन। अच्छा वही है। देखो अभी क्या बता दें मैंने, अगर स्टेप फंक्शन में देखो अब इसको क्या बना देंगे, अगर मैं ये कहूँ स्टेप फंक्शन था ये, अगर ये एक्स है, अभी जो बताया था मैंने जो एक्स है ये स्टेप, तो इसके क्या आ गए? इक्वल टू एक्स और ये था लेस देन एक्स माइनस वन। ठीक, अब क्या है यहाँ, यहाँ कितना है? टू एक्स। कितना है? टू एक्स। टू एक्स कितना जाएगा? ये टू एक्स लेस देन टू एक्स माइनस वन, इतना कितना जाएगा? थ्री है, थ्री एक्स कितना जाएगा? ये थ्री एक्स इज लेस देन, थ्री एक्स इज लेस देन थ्री एक्स माइनस वन, फिर एंड सो ऑन क्या जाएगा? फोर एक्स। अच्छा अब इसका एंड सो ऑन करते 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 यहां क्या जाएगा? मान लीजिए अगर एन एक्स लेना हो मुझको, एन एक्स लेना हो तो क्या जाएगा? एन एक्स माइनस वाई, एन एक्स माइनस वन एस में। अच्छा यहां तो बात समझ आ गई, जा आगे एन एक्स माइनस के वन आएगा। अब देखो अब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ना चाहता हूँ, जो जो ये लेफ्ट हैंड में है ये एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स क्या जाएगा यहाँ पे? ये क्या जाएगा यहाँ पे जोड़ के, मान लिया है जोड़ के एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स अप टू एन एक्स, अप टू एन एक्स माइनस वन, फिर माइनस वन माइनस वन माइनस वन अप टू एन टाइम्स आएगा वन 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 क्या आएगा यो? अप टू एन टाइम आ जाएगा। अच्छा जी अच्छा अब इसमें से अगर मैं एक्स कॉमन ले लूं, इसमें से सारे मतलब इतने में से क्या कॉमन लूं? एक्स कॉमन ले लूं क्या जाएगा? वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर अप टू एन अप टू माइनस वन 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 टू क्या जाएगा? एन माइनस वन वन टू क्या जाएगा? ये एन माइनस वन को एन टाइम्स लिखा तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस एन। अच्छा ये क्या है? ये है फॉर्मूला वन प्लस टू सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन इंटू एन क्या जाएगा? एन इंटू अच्छा एक्स कॉमन लिया है, एन ही एक्स कॉमन लिया है, ये क्या है? वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर के फॉर्म में क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू इंटू एक्स माइनस के एन, ये होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू माइनस के एन, ये क्या आएगा? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू माइनस के एन। अच्छा अब इसमें जो है लिमिट अगर एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी रखू, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी है इसमें, लिमिट क्या है एक्स टेंड्स टू अच्छा इसमें से एन एन कॉमन भी ले लूं, इनमें से क्या ले लूं मैं? एन कॉमन भी ले लूं, सारे में क्या कॉमन ले लूं मैं?
एन कॉमन ले ली, अच्छा नीचे क्या है देखो, ये नीचे एन स्क्वायर ही है, नीचे क्या है इसके एन स्क्वायर ही है, नीचे क्या है इसके हो अब अगर अगर ये एक्स टेंस टू इनफिनिटी हो गया, ये गया एन इंटू एन प्लस वन बाई टू माइनस एन अपॉन टू, और अब इसमें क्या है नीचे क्या है, अच्छा इसमें अगर मान ले लिमिट, अब जो है इसमें जो है अगर एक्स है तो एक्स, एन है तो एन, एन है तो एन, एक्स है तो एक्स, अब नीचे एन स्क्वायर जब मैं डिवाइड करूंगा तो यहां क्या आ जाएगा, ये अब लिमिट रखनी पड़ेगी मुझे एन टेंस टू इनफिनिटी, एक्स टेंस टू इनफिनिटी, देखो अब नीचे क्या है ये एन स्क्वायर ही है, नीचे क्या है ये एन स्क्वायर, ये सब भी जो है नीचे अगर मैं एन स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, एन स्क्वायर से डिवाइड, एन स्क्वायर से डिवाइड, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी, यहां भी, यहां भी, यानी अब इसके सब के नीचे क्या आएगा, ये एन स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा सबके नीचे एन स्क्वायर, क्या आ जाएगा ये, अच्छा अब जब मैं ये एन से एन कर रखूंगा मैं, तो ये तो ये तो वन बाई एन आ जाएगा, ये तो जीरो आ जाएगा खत्म, ये है एन इंटू एन से ये क्या वन प्लस, क्या जाएगा वन प्लस के, ये है ना एन इंटू एन प्लस वन, इन दोनों में से एन कॉमन लेके क्या आ जाएगा वन प्लस के वन अपॉन एन, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ये तो वन आ जाएगा, और नीचे एन स्क्वायर, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर ये क्या आ जाएगा वन आ जाएगा सारा, क्या आ जाएगा वन, इससे क्या आ जाएगा वन अपॉन एन से जीरो, क्या आ जाएगा ये जीरो आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये वन बाई टू, क्या आ जाएगा एक्स बाई टू, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा लिमिट से एक्स बाई टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये एक्स बाई टू आ जाएगा, बात सुने भाई, अच्छा अब देखो अब है इधर, ये है एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फोर, अगर इसको जोड़ दिया मैंने एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, ये अगर एन है तो एन स्क्वायर ही कर दे, एक ही बात है, अगर एन है तो एन ही स्क्वायर कर दे, एक्स है तो एक्स स्क्वायर कर दे, ये एक्स है अगर नीचे क्या गया एक्स स्क्वायर, अगर एन है तो एन स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा ये, अच्छा ये देखो यहां क्या आ जाएगा, ये एक्स है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स है तो एन जो भी है वो वही कर लियो, अच्छा तो यहां भी क्या आ जाएगा ये एक्स, ठीक है एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है देखो यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स, अब तो क्या आ जाएगा एन एक्स, अब तो एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां से फिर वो क्या आ गया सम ऑफ एक्स कॉमन लेके क्या आ जाएगा यहां से वन प्लस टू प्लस थ्री अब टू एन अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां से फिर क्या आ जाएगा यो इस एक्स से या एन से, एक ही बात है यार एन स्क्वायर, यहां से क्या आ जाएगा यो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू इंटू एन स्क्वायर यू एक्स आ गया, क्या आ गया एक्स, इस यहाँ से दोनों से एन कॉमन ले लिया, क्या आ गया एन स्क्वायर वन प्लस वन बाई एन इंटू टू एन स्क्वायर इंटू एक्स, इस एन स्क्वायर एन जाएगा, और लिमिट एक्स टेंस टू क्या है इनफिनिटी टू है, तो क्या है वन प्लस के वन अपॉन इनफिनिटी टू, क्या आ गया एक्स, क्या आ गया एक्स, ए की पावर में एक्स अपॉन टू आ गया, क्या आ गया एक्स अपॉन टू, तो अब मैं देखता हूं कि इधर की जो इसकी भी लिमिट है, इसकी भी लिमिट कितनी है, इसकी भी लिमिट कितनी है एक्स बाई टू, इसकी भी लिमिट कितनी है एक्स बाई टू, तो जो ये फंक्शन है ये एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी ये फंक्शन की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी है?
ये एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर, अगर एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर है, जूल होगा ये एन स्क्वायर, क्या रहेगा ये एन स्क्वायर है, क्या रहेगा ये एन स्क्वायर, क्या रहेगा ये एन स्क्वायर। देखो भाई ये स्टेप फंक्शन था एक्स टेंस टू वेल्व एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स। अब मैंने एक्स को लिखा, अब ये एक्स का क्या आएगा मोड एक्स एक्स माइनस वन, इसे एन स्क्वायर एन स्क्वायर टू मतलब डिवाइड, ये डिवाइड कर कोई, इससे टू एक्स को लिखा, टू एक्स से ये जो क्या है क्या होगा छोटा होगा और इसे टू एक्स माइनस वन से बड़ा होगा, नीचे एन स्क्वायर को डिवाइड कर दिया। अब मैं इसको एल एस एस को सबको क्या कर लिया मैंने, ये जोड़ लिया, क्या कर लिया जोड़ लिया, फिगर ये है ना एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स, नीचे एन स्क्वायर इनके सबके चला जा रहा है, ये सबके इनके एन स्क्वायर चला जा रहा है। अच्छा ये क्या आ गया वन प्लस, अब यहां भी है इसमें एक्स को मैं ले लिया वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर अप टू एन, ये वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर का सम ऑफ एन नेचुरल नंबर एन इंटू एन प्लस वन बाई टू माइनस एन माइनस एन। अच्छा जी इसको अलग करेंगे, इसे इसको एन इंटू एन प्लस वन बाई टू एन सोल्व करेंगे तो यहाँ से एन से एन एन कॉमन लेके यहाँ से वन प्लस वन कॉमन एन और ये एन एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर क्या आएगा वन बाई टू एक्स वन बाई टू एक्स। अब यहाँ से क्या आएगा एन अपॉन एन स्क्वायर अपॉन टू आ गए। अच्छा इस एन से तो यार क्या आ गया वन अपॉन एन अपॉन टू और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो से क्या आएगा वन अपॉन इनफिनिटी, वन अपॉन इनफिनिटी की वैल्यू कितनी आ गई जीरो, ये जीरो आ जाएगी, क्या आ जाएगी ये जीरो, ये तो जीरो आ जाएगी और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स अपॉन टू। ठीक इसी तरह से अब मैंने फिर इसको आर एस एस को इसका सम कर लूंगा, इसका ये सम कराओ कि लिमिट आ गई एक्स बाई टू। तो ठीक इसी फंक्शन में अगर ये मान लिया ये दो फंक्शन थे, ये तो मान लिया ये एफ एक्स था, ये क्या था फंक्शन मान लिया एच एक्स और ये बीच का फंक्शन क्या था जी एक्स। अच्छा सैंडविच थ्योरम अप्लाई करूंगा कि तीन फंक्शन एक फंक्शन था ये जी एक्स, इससे ये जो है इज ग्रेटर देन एफ एक्स और ये एच एक्स, इसकी एफ एक्स और एच एक्स की जो मैंने लिमिट निकाली एक्स टेंस टू इनफिनिटी या एन टेंस यहां पर निकाली थी एन टेंस टू इनफिनिटी, यहां पर निकाली मैंने एन टेंस टू इनफिनिटी लिमिट जो निकाली मैंने एन टेंस टू इनफिनिटी पे एफ एक्स की के लिए कितनी आ गई एक्स अपॉन टू, एफ एक्स की कितनी आ गई यही एक्स अपॉन टू और इसकी जो है इसकी एच एक्स की कितनी आ गई ये भी एक्स अपॉन टू और फिर ये जो फिर एच एक्स ये जो जी एक्स फंक्शन का ये रखा है, यानी कि अगर क्या है कोई फंक्शन है एफ एक्स की भी लिमिट वही है इसकी जो है एच एक्स की है तो जी एक्स की भी वही लिमिट होगी, दैट इज कॉल्ड द सैंडविच थ्योरम। हेंस इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई है एक्स अपॉन टू आ गई, इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आ गई एक्स अपॉन टू आ गई। ठीक है आई बात समझ में, देखो भाई अब इसके बाद आती है तब स्पेशल लिमिट, क्या होती है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लोग एक्स अपॉन एक्स, लोग एक्स अपॉन एक्स इसकी वैल्यू क्या आती है माइनस के इनफिनिटी की वैल्यू क्या आती है माइनस के इनफिनिटी आती है। अगर लिमिट एक्स टेंस टू इनफिनिटी एक्स टेंस टू log x upon x is equal to zero, limit x tends to zero log x upon x is equal to zero, limit
एक्स टेंस टू जीरो प्लस वन, एक्स लोग एक्स क्या रहती है, एक्स लोग एक्स इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो। इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स की पावर एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वन। एक और लिमिट है, लिमिट एक्स टेंस टू, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, टू एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, टू एक्स की पावर वन अपॉन एक्स की पावर इक्वल टू क्या आ गई, वन। क्या आ गई है, क्या आ गई है, लिमिट वन आ गई है। यह है एक्स टेंस टू, अगर कोई मान लिया जीरो की यह है, तो ये लोग एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू इसकी पावर, इसकी वैल्यू कन्वर्ट करती है माइनस इन्फिनिटी में। ये पहली आ गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, इनको रट भी लेना और इनको प्रूव भी हो जाती है। अगर प्रूव करने की जरूरत है डायरेक्ट भी आ जाती है। अगर क्या है, ये होता है स्पेशल लिमिट, इनका नाम क्या है, स्पेशल ये है, स्पेशल लिमिट। स्पेशल लिमिट क्या होती है भैया, देखो अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, जीरो की तरफ कन्वर्ट जब हो, लोग एक्स अपॉन एक्स ये जो है माइनस इनफिनिटी की तरफ कन्वर्ट करेगा। नंबर दो, अगर लिमिट एक्स टेंस टू इनफिनिटी है, लोग एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स लोग एक्स क्या आ जाएगा, एक्स लोग एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स की पावर वन अपॉन एक्स, एक्स की पावर एक्स नहीं, एक्स की पावर क्या आता है, एक्स की पावर एक्स, एक्स पावर एक्स ही है, एक्स पावर एक्स की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, वन। और एक्स की पावर वन बाई एक्स की भी वैल्यू, एक्स की पावर वन बाई एक्स की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जो है वन आ जाती है। ये जो है पांच स्पेशल लिमिट के केस है। अगर इन्हें प्रूव भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको डायरेक्ट ही समझ लेना, याद कर लेना। तो ये जो है लिमिट के स्पेशल किए जाए। कोई प्रॉब्लम भाई, एनी स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम, आगे बढ़े। दैट इज कॉल्ड टू द सम, ये फाई लिमिट इज कॉल्ड टू द स्पेशल लिमिट ऑफ द स्पेशल ऑफ द लिमिट। ठीक है भाई, ठीक है, अच्छा इसको याद कर लेना। ठीक है, अच्छा एक हो रहा है, अगर कहीं ये है ना, अगर कहीं ये पता हो कि लोग ये लोग जीरो प्लस इसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी की तरफ कन्वर्ट करता है। अगर लोग जीरो पॉजिटिव रहा है, जीरो पॉजिटिव की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू जो लिमिट होगी, तो इसकी जो उसका वैल्यू की मान होगी लोग जीरो की, क्या होता है याद रख लेना, क्या होता है बना, इन्फिनिटी होती है, क्या होता है, इन्फिनिटी होती है। ठीक है भाई, इनको याद कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, कल कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो किसी को, लिख के लाना, कल उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बहुत जल्दी शुरू होने वाला है डिफरेंशियल ड्यूटी। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक्स।